सामने पुलिस वाले हैं, उनके पीछे लग गया, लेकिन भाई क्या तो भाई टाइम देखो अभी 4:55। इतना दिन सिंगल रहूंगा यार, रात में बाइक राइडिंग करना मजा अलग है भाई। भाई पेट्रोल पंप और सीधा चलने लगूंगा भाई। आज एक नया कंटेंट निकला क्योंकि आज हमारा एक शूट है यहाँ पे फनी वीडियो का। जो जो लोग फेसबुक पेज में देखते हैं वो लोग पहचानते हैं, तो हमारा शूट पूरा क्लियर हो गया। तो अभी हम निकलेगा एक ब्लॉग बनाने के लिए, थोड़ा अड्डा मारने के लिए हम निकलेगा। तो बाइक लेकर पूरा रेडी हुआ तो भाई भाई काम सर के कभी मत जाना यार, नहीं जाऊंगा यार, लेकिन आज जाना पड़ेगा, एक थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे घूमने जाने के लिए निकला। तो ब्लॉग के एंड तक देखिए, अभी यहाँ से हम बाय बाय देते हैं इन लोगों को, इन लोगों को घर जाने वाला है और हम यहाँ से जाने वाला है कुछ देर तक, देखते रहने वीडियो का एंड तक, ब्लॉग अच्छा रहेगा। देखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी। लोग जब हेलमेट नहीं रहता है तो पकड़ के क्या करता है, फाइन कटता है, लेकिन एक सामने पुलिस वाला है उनके पीछे लग गया, लेकिन भाई क्या करूं, आज कुछ वीडियो का कंटेंट नहीं है। आज सोचा कि कुछ अड्डा मारने के लिए बाइक लेकर निकला, तो देखो भाई एक सामने पुलिस वाला है। अरे भाई पुलिस वाला को तो रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो रेस्पेक्ट तो करना है, लेकिन देखो भाई उसके पास नेशनल हाईवे में गाड़ी चला रहा है, उसके बाद भी उसके पास कोई हेलमेट नहीं है, गाड़ी का नंबर भी नहीं है, तो इसे जनरल पब्लिक चलाते हैं तो उसके पास फाइन कट देते हैं। भाई देखो आइन तो भाई रूल्स तो रूल्स होता है ना भाई, देखो ऐसे रूल्स नहीं होना चाहिए भाई, असम में ना ये गलती करते हैं। देखो भाई एक भी उसके पास हेलमेट भी नहीं है, इंडिकेट किधर लगाए हुए, अरे भाई इंडिकेटर भी गलत करते हैं यार, इससे पुलिस वालों को ना हम रेस्पेक्ट कैसे करूं यार। तो भाई टाइम देखो अभी 4:55 हो गया, हम अभी भी तो यार मामा का हालत देखो, ठंडी तो बहुत हो रहा है, देखो रो रहा है इतना, क्या बोलूं भाई, क्या हुआ, क्या होगा, क्या होगा, ठंडा लगा क्या यार, लड़के यार ऐसे स्ट्रॉन्ग लड़का कभी ठंडा लगते है क्या, हाँ लगता नहीं, है नहीं लगता है, लड़के को ठंडा नहीं लगता। तो भाई बाइक जर्नी करना इतना आसान नहीं है, तो क्या बोलूं भाई, ठंडी तो बहुत हुआ, लेकिन तो भाई यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लिया क्योंकि भाई बहुत दूर जाना है। और भाई ये सफर ये जर्नी जस्ट ऐसे ही घूमना, मेरे छोटा सा बहुत शॉर्ट है, जब मेरे बचपन था ना, बचपन से मेरा एक आदत था कि मैंने घूमूं यहाँ इधर उधर घूमूं और कुछ प्लेस को एक्सप्लोर करूं, इसलिए मैंने आज घर से निकला क्योंकि ये ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी देख लूं और मेरे व्यूअर्स और बैठे बैठे ये इंजॉय ले सकते हैं, इसलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। और भाई तुम्हारे भाई 28 तारीख का जाने वाला है, 28 नवंबर में जाने वाला है गोवा में, और गोवा में जाकर बहुत धासु ब्लॉग बना कर दूंगा, जो फॉरेनर लोग होता है, फॉरेनर टूरिस्ट प्लेस होता है, वहाँ पे जाकर बहुत धासु वीडियो बनाऊंगा यार। अभी और बहुत दूर जाना है हमको यार, कभी किधर जाओ, कहाँ से जाओ, कैसे जाओ कुछ पता नहीं, जस्ट सुबह से निकला घर से और अभी तक मिला नहीं, कहाँ जाओ। तो भाई देखो मामा ने यहाँ पे सेल्फी ले रहा है यार, हमारे पास तो लड़की नहीं है, लेकिन हम मामा भागी नहीं से सेल्फी ले रहा है क्योंकि बस हम तो ऐसे सिंगल रहेगा, और कितना दिन सिंगल भाई, कितना दिन सिंगल रहूंगा यार, ऊपर वाले ने हमको नहीं देखते है क्या, डबल बना दो यार, हम भी लड़की को गाड़ी के पीछे बैठ कर ऐसे ऐसे घूमना चाहिए यार, हमारा भी शौक है यार, हमारा भी तो कुछ शौक होता है ना, लड़की को गाड़ी के पीछे में बैठ कर यहाँ वहाँ ढाबा में ले जाना यार, हमारे तो शौक होता है ना एक, लेकिन क्या बोलूं भाई, हमारे तो कोई भी गर्लफ्रेंड ही नहीं है, हम तो ऐसे सिंगल लंडे हैं यार, क्या बोलूं यार, सिंगल रहना इतना अच्छा नहीं लगता यार, बोरिंग लगता है लाइफ में ना यार, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसे जो कपड़े होते ना अभी तो ठंडे चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास जैकेट भी नहीं है, कुछ स्वेटर भी नहीं है, तो इसे चलना है, अभी तो घर नहीं मिला, घर कब मिलेगा ये तो बहुत दूर का बात है क्योंकि अभी टाइम हुआ 5 बजे। भाई देखो यार कोई भी रीजन नहीं है, ऐसे दारू पिया और हमारे साथ ऐसे लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया यार, हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं आसानी से आया और ऐसे लड़ाई कर रहे हैं यार, इन बंदे को ना पुलिस के हाथ में देना चाहिए भाई, देखो इसे कौन करता है यार, थोड़ा पीछे करना चाहिए, दिमाग है कि नहीं, ऐसे हरकत मत करो, अरे भाई देखो गाड़ी यहाँ में रखने कुछ गलत हुआ तो हम गाड़ी साइड कर लेते ना, दोबड़ा ऐसे काम मत करो, ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है भाई, रात का नजारा देखो भाई, रात में बाइक राइडिंग करना मजा अलग है भाई, देखो
तो भाई क्या बोलो, कहाँ जाना है उस कुछ भी पता नहीं, लेकिन घर से निकला सुबह की 10 बजे में, अभी तो घर नहीं मिला। यार देखते रहना वीडियो को क्या क्या होगा हमारे साथ, हमारे पास तो कोई जैकेट भी नहीं है, इतना ठंडा लग रहा है। यार देखो रात का भी हुआ 6 बजे हुआ, 6 बजने वाला है, लेकिन अभी तो हम नेशनल हाईवे में है। मामा को देखो, मामा तो जैकेट लेकर आया लेकिन मैंने तो कुछ लेकर नहीं आया। यार मुझे तो बहुत ठंड लगा, लेकिन मामा तो बहुत पैक हो रहा है, अभी तेल डिपो में है एक पेट्रोल पंप पे। तो भाई और बहुत दूर जाना है, यार क्या करूँ भाई, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। टंकी देखो भाई तेल कितना है, देखो फुल है भाई, जितना भी तेल का महंगा हो हमारे गाड़ी में ना पूरा फुल टंकी होना चाहिए, क्योंकि हमारे शावर कहाँ जाना है किधर जाना है कुछ भी पता नहीं है ना, वहाँ पूरा पैकिंग हो गया। लेकिन मेरा हालत तो बहुत खराब है यार, देखो नज़ारा कुछ इस तरह का है भाई, यार क्या बोलूं। कुछ भी नहीं है यार, और घर तो बहुत दूर है, यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं क्या करूँ अभी तो घर नहीं मिला। हमने सोचा कि सुबह की 2 बजे निकला, क्या कुछ यार सफर करूँ, कुछ निकलूँ घर से, थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ, लेकिन भाई यहाँ पर आगे आया तो बहुत फंस गया यार, क्या करूँ अभी। देखो पेट्रोल पंप में एक ड्रॉप ले लिया, यहाँ पे कुछ टाइम रहने के बाद और चलने लगूंगा 100 किलोमीटर। आज सोचा कि 200 किलोमीटर बाइक लेकर 200 किलोमीटर चलना है हमको, जस्ट सफर करना है, ऐसे जर्नी करना है, राइडिंग करना है। लेकिन भाई क्या बोलूँ, हम सोचा नहीं कि इतना रात हो जाएगा, लेकिन भाई रात होने से तो भाई क्या बोलूँ, हालत तो पूरा खराब हो गया यार। ठीक है, उसके बाद भी ब्लॉग बनाना पड़ता है आप लोग के लिए। भाई यहाँ पे ड्रॉप ले लिया क्योंकि हमको सुसू करना है, बहुत दूर जाना है अभी तो, और मिलने से और क्या 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी यहाँ पे सुसू करना है, तो सुसू करके आप फिर भी चलने लगूंगा यार। तो भाई अभी चलना है, अभी बाइक चालू किया, स्टार्ट किया, तो अभी चलना है घर। तो चलते है, कितना रात मिलेगा मेरा घर कोई भी पता नहीं, चलते है अभी, यहाँ से चलना है अभी घर। घर जाने के लिए ये रास्ता से जाना पड़ेगा, तो अभी इसको बाई देते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत देर रुका है, तो भाई तेल पेट्रोल पंप, भाई पेट्रोल पंप, और सीधा चलने लगूंगा अभी घर, तो भाई भाई पेट्रोल पंप। तो भाई ये तो हमारे लिए रॉन्ग साइड है, उस रास्ता से जाना है, लेकिन हमको क्रॉसिंग नहीं मिला, तो इस रास्ता से जाना पड़ेगा।